this is a Hello ladies and gentlemen, at this time I am here and I am at this time I am in Delhi Gurgaon. So aaj hamara ek alag sa vlog hai, ye hai Delhi mein ghumne firne ka aise hi. To just abhi apne jo dekha wo tha ek hamara air balloon jo ki bahut hi shandar tarike se bahut hi behtareen tarike se bahut hi bade tarike se hawa mein uda jo ki hai ek shanti ka prateek. To ab hum yahan pe hain ek baar fir se aapko dikhane ke liye puri unboxing ke sath hamare behtareen shandar dost. Hello guys, hi Amulya bhai, fir se hemant, hemant bhai, aur jo hai apni ID ke sath. To let's start with the rock, let's go do it again. ये रहा इसका ऊपरी स्ट्रक्चर और ये रहा फ्यूल. तो इसको हम पहले एक बार पूरा रेडी कर लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं. सबसे पहले इसको बहुत ही आराम से खोलिएगा फोल्ड को, और उसके बाद में इसमें जो नीचे अटैच करना पड़ता है वायरिंग में, इसको जरा उल्टा करके दिखाना. ये इसमें अटैच करना पड़ता है, और इसको अटैच करने के बाद में बहुत ही जेंटली तरीके से पकड़ के आग लगा दी. दुकान के अंदर नहीं, बाहर. नहीं कोई नहीं, अंदर लगाने पर क्लेम होगा आप पे. आ जाओ बाहर, आ जाओ बाहर, चलते हैं. बहुत ही बढ़िया करके आग लगाई. दीपावली में तो आया नहीं, अब दीपावली के बाद उड़ा रहा है. जो आप जानते हैं कि आग मोस्टली आपको दो चीज़ें चाहिए होती है, एक तो आपका फ्यूल और दूसरी ऑक्सीजन. हाँ, फिर इसके बाद ये क्वेश्चन मत करना कि अंतरिक्ष में तो दोनों ही नहीं है, उसके बाद भी सूर्य कैसे जल रहा है. सूर्य जल रहा है अपने फ्यूल पे, क्योंकि कुछ ऐसी गैसें होती हैं जो अपने आप भी जलने में माहिर होती है. क्योंकि जब जब पूरा एजेंसी करके चल जाए ना, तो जो एयर होगी उसके अंदर आ जाती है, तो जो इसको ऊपर करके ब्लो कर. चलिए वेट करते हैं इसका, ये पूरा हो रहा है. मान पूरा बोला चलिए तैयार. 5, 4, 3, 2, 1 लेट्स गो. किसकी बज गई? हमारा हॉट एयर बलून बच्चा का मे बी चांसेस है कि टकरा सकता है. बताइए क्या होगा, बैठ लगाएं इसी वक्त? नहीं तो ये निकल गया. ना ना तो ये चल दिया. तो गाइस चांद भी अब निकल गया है लगभग. चला गया तो इसी के साथ अपने चेहरों की और लोग के चेहरों की खुशी जो कि अभी आपने देखी. मुझे पता नहीं, उनको मालूम होगा कितने का था वो, क्योंकि दोस्त ने हमारी जन्म दिया. तो दोस्तों इसकी कीमत तकरीबन जो थी वो करीब 50 से 60 रुपये ही आती है, और लेकिन ख़रीदारी में सस्ता होता है. तो अब चलते हैं हम आगे की ओर, जो कि अब बहुत ही बड़े तरीके से टेक ऑफ हुआ. तो ये सारे के सारे खुशी चेहरे देखते हैं हम आगे, देखते हैं आगे आगे बहुत कुछ होता है इस ब्लॉग में. देखते हैं जैसे कि हम देखिए कौन है हमारे साथ गाय. तो क्या इस बलून तो क्या, अब हम भी चलते हैं दुकान की ओर. क्या भाई, हम पे ही रोक दोगे क्या?
ही हमारी एक वीडियो एयर हॉट बलून के बारे में, तो जैसे कि आपने देखा इसकी लगभग रेंज होती है वो 2 से 2.5 किलोमीटर तक हो जाती है, और उसके बाद में जब ऑक्सीजन खत्म हो जाती है तो ये किसी के भी घर पर गिर सकता है, तो लिहाजा इसको आबादी वाले क्षेत्र में उड़ाने की कोशिश ना करें, वरना क्या फ़ायदा पुलिस लॉकअप में आपको उड़ा दे। उड़ाने से मतलब है कि ठोक पीट, सच में वाला उड़ाने पर बच ले जाइएगा। तो हालांकि अब बात आती है आगे की इसके बारे में, ये मोस्टली 50 से 60 रुपये का ही होता है जो इसकी आपकी खरीदने की कॉस्ट आती है, लगभग और दुकानदारों की वो 15 से 20 रुपये होती है। हालांकि त्योहारों के टाइम पे इसकी कॉस्ट ऊपर नीचे होती रहती है, जैसे कि आप देखते होंगे नारियल अक्सर 20 रुपये का या 30 रुपये का होता है, या लौंगे सस्ती होंगी या अदरक वगैरह, सॉरी लौंगे इलायची, लेकिन जैसे ही आपके नवरात्र आते हैं या सावन आते हैं अचानक से सबके रेट हाई हो जाते हैं। इसी तरीके से इनका भी ट्रेंडिंग रेट रहता है, दीपावली से पहले 50 से 60 के होते होंगे और दीपावली आते ही 100-150 तक आराम से पहुँच जाएंगे आपके लिए। तो इसी के साथ मैं आपसे कहना चाहूँगा कि मिलते हैं फिर आपसे फिर कभी। तो अभी तो मैं हूँ एक फैशन डिजाइनिंग सेक्शन में, तो उम्मीद करता हूँ आपको इसकी वीडियो पसंद आई, क्योंकि इसमें आपके लिए लेटेस्ट से लेटेस्ट कलेक्शन मिलेंगे आपको आने वाले टाइम में, तो उसकी वीडियो हम फिर कभी बनाएंगे। तो अभी के लिए बाय बाय, और ये हमारे आज के खास दोस्त इनसे भी बाय बाय रहते हैं। थैंक यू, लेट्स गो, फिर मिलते हैं फिर कभी। थैंक यू।